बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए आलू मेथी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इंडियन स्टाइल में है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। तो चले अज़ा नोट कर लेते हैं आलू मेथी की भुजिया में क्या क्या जाएंगे। देखिए, ये मैंने मेथी है, चार मेथी की गड्डी मैंने साफ करके रख ली है। अभी सर्दियों में वैसी मेथी का सीज़न होता है, तो ये मेथी बहुत अच्छी फ्रेश आ रही है। तो ये मेथी है, ये नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि नमक इसमें कम जाएगा, क्योंकि सब्जियों में नमक कम जाता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी नमक सब्जियों में होता है थोड़ा बहुत। और ये लहसुन है, मैंने इसके 8-10 जवे छील के काट के रख ली है इस शेप में। 10-12 हरी मिर्चें हैं तेज़ वाली, ये मैंने काट के रख ली है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 चुटकी मैंने अजवाइन लिया है, ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं आलू मेथी में इसलिए डालती हूँ कि आलू थोड़े बादी होते हैं, इसलिए मैं अजवाइन का थोड़ा बघार लगा देती हूँ। अच्छा, ये आलू है, मैंने 3 बड़े आलू लेके छोटे छोटे पीस में काट के रख लिए हैं। अच्छा, ये 1/2 पाव कुकिंग ऑयल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आलू मेथी की सब्ज़ी। तो देखें, पहले ऑयल डालेंगे आलू मेथी की सब्ज़ी में। सबसे पहले ऑयल गर्म होने के बाद मैंने, तो देखें ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैंने 1 चुटकी अजवाइन जो रखी थी वो मैंने डाली, और अजवाइन अपनी मर्ज़ी आपकी डालें नहीं डालें। तो इसमें साथ ही मैंने लहसुन डाला है, लहसुन थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन हो गया, तो इसमें मैंने बाकी वगैरह डाली है। देखें बाकी इसमें ये हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, और हरी मिर्ची के साथ ही मैंने ये हल्दी पाउडर ये डाल दिया है, और इसके साथ ही मैंने ये आलू डाल दिए। पहले हमने आलू गलाना है थोड़ा सा ना, क्योंकि मेथी तो दम पे पक जाएगी। आलू गलने के बाद फिर मैंने इसमें मेथी ऐड करना, तो इसी आलू इसी पानी में मैंने आलू गलाना है। देखें आलूओं के साथ ही मैंने ये नमक ऐड करना है इसमें, और आलू मैंने छोटे छोटे पीस में आलू मेथी की भुजिया में इसलिए डालते हैं सब्ज़ी में कि आलू जो है ना छोटे छोटे, वो जल्दी गल जाते हैं। तो बस अब आलू थोड़े से गल जाएंगे, तो मैंने इसमें मेथी डालनी है दम पे बस। तो देखें फ्रेंड, आलू अच्छे से गल गए हैं, और इसमें मैंने मेथी ऐड करनी है। और मेथी में पानी नहीं जाएगा, और मेथी खुली बनाएंगे, इसको ढक के नहीं बनाते मेथी, नहीं तो फिर ये कसाली हो जाती है मेथी। इस तरह मेथी सिर्फ दम पे पकेगी। तो देखें फ्रेंड, ये हल्की आंच पे मैंने मेथी को इसी के पानी में मैंने पकाना है, और दम पे बनाना है हल्की आंच पे बिल्कुल। तो देखें फ्रेंड, मेथी भी अच्छी सी हो गई है। अभी मैंने भुनाई करके इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। आलू भी गल गए हैं, और मेथी की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, आप लोग बनाएं, बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी है ये। तो देखें फ्रेंड, ये आलू मेथी की सब्ज़ी रेडी है, ये मैंने इंडियन स्टाइल में बनाई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। आप इसको चपाती सलाद के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको दाल राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी आलू मेथी की भुजिया की रेसिपी पसंद आए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ मेरी रेसिपी शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सके, और मेरी वीडियोस आप आखिर तक देखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम।